अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक मुस्कान बुटीक एंड सिलाई सेंटर। तो यहाँ पर आज हम एक ब्यूटीफुल पैंट ट्राउज़र बना रहे हैं, जिसके लिए हमने एक चपटी स्ट्रिप बना ली है, जिसको हम बद्दी भी बोलते हैं। और हमने पैंट के अंदर टक्स डाल लिए हैं, तो मैं पूरे डालकर नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग जितने आपको डालना उतने टक्स डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने दोनों बॉटम में अच्छे से टक्स डाल लिए हैं, और टक्स डालते वक्त आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि वो बिल्कुल इक्वल हों, बिल्कुल एक जैसे हों, अलग अलग ना हो। यहाँ पर हमने एक एक इंच की दूरी से लगा लिए हैं। अब हम दोनों पार्ट को, बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इसकी साइड की सिलाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अच्छे से आप देखिए कि किस तरह से हम क्वार्टर इंच का गैप देते हुए सिलाई कर ली है हमने यहाँ पर। और अब हम इसकी टॉप स्टिच करेंगे। तो जब हम टॉप स्टिच करेंगे तो दोनों जो सिलाइयाँ हैं उनको वन साइड करेंगे, और ऐसा ना हो कि आधी इधर जाए और आधी इधर, बिल्कुल एक साइड इसकी टॉप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से आप टॉप स्टिच लगा लीजिएगा इस तरह से, अच्छे से देख कर लगाएं, थोड़ा सा हाथ से चेक कर लें, पता चल जाता है कि सही लगी है या नहीं लगी है। ओनली वन साइड हमारी मशीन चलेगी। तो अब हमने स्ट्रिप के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने कट कर लिए हैं। अब हम एक न्यूज़पेपर की पट्टी ले रहे हैं, जितनी हमको चौड़ाई लेनी है उतनी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर वन बाय वन करके हम यहाँ पर अच्छे से इसको अटैच कर देंगे न्यूज़पेपर के ऊपर। आप पेपर कैनवास भी ले सकते हैं, बाकी न्यूज़पेपर इजीली जल्दी से निकल जाता है। अब हमने यहाँ पर बॉटम की पहले ही A1 फोल्ड कर लिए थे, और उसके अंदर इस न्यूज़पेपर में जो हमने स्ट्रिप चिपकाई है उसको इसके अंदर अच्छे से हम अटैच कर लेंगे। बिल्कुल आप देखकर अटैच करें कि सिलाई बिल्कुल बराबर लगी हो। अब यहाँ पर हम धागा कट करने के बाद यहाँ पर हम गोटा लगा रहे हैं, जिसको नक्की भी बोलते हैं। आप अपने हिसाब से जो आप लेस लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं, तो आप या ना लगाना चाहें तो नहीं लगाएं, यह अपनी अपनी चॉइस है सबकी। तो यहाँ पर हम टू लाइन लगा रहे हैं, आप जितनी चाहें उतनी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम टू लाइन गोटे की अटैच कर रहे हैं, नीचे साइड भी हम टू लाइन गोटे की अटैच कर रहे हैं। तो नीचे भी हमने बारीक फोल्ड कर लिया था, चाहें तो आप कैनवास भी लगा सकते हैं नीचे। तो हमने इसको फोल्ड करके और यहाँ पर नक्की लगा ली। और अब हम इस न्यूज़पेपर पे जिसमें हमने स्ट्रिप लगाई थी उसको हम निकाल देंगे। न्यूज़पेपर इजीली निकल जाता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे बॉटम की कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर रेडी हो गई है। आप इस डिज़ाइन को स्लीव्स में भी ट्राई कर सकते हैं, आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। आप लोग प्लीज़, जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो नए व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे अप्रिशिएट करें, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।